इसमें आपको 250 फिफ्टी प्लस आर्स के वीडियो लेक्चर्स इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं काफी सारे टेस्ट फुल लेंथ और सेक्शनल और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें इसमें आपको फ्री सी सैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज भी मिलती है बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए आपका रिविजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो इसमें आपके नाइनटीन सेक्शनल टेस्ट हैं पांच करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं फिफ्टीन फुल लेंथ टेस्ट हैं फोर सी सैट के टेस्ट हैं इसको ज्वाइन ज्वाइन करने के के लिए लिए आप पर कर सकते हो एट द सेम टाइम एक CSAT के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को कैटर करता है जिनका सी सैट वीक है तो सी सैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सी सैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में और छोटे छोटे हैंड आउट भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं स्टडी मटेरियल्स भी हैं टेस्ट सीरीज भी हैं मेंटोरशिप भी है इंटरव्यू गाइडेंस भी, 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 भी है सब कुछ इसमें आपको मिलेगा अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वीडियो डॉट पर विजिट करो याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको वीडियो पर ही विजिट करना है

सॉलिड स्टेट बैटरी और ये कंपनी न्यूज़ में आई सॉलिड स्टेट बैटरी की बात करते हैं वर्तमान में जो हम बैटरी इस्तेमाल करते हैं वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं या फिर लिथियम पॉलीमर बैटरीज होती हैं जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं इसमें एक्चुअली में हम लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट एक तो कम परफॉर्मेंस देता है दूसरा अगर ये लीकेज हुआ तो चूंकि ये बर्न हो सकता है फ्लेमेबल है तो एक्सीडेंट का खतरा भी होता है कई बार आग वगैरह भी लग जाती है लेकिन जो सॉलिड स्टेट बैटरीज होती हैं इनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है और ये कंपेरेटिवली सेफ भी होती हैं इसको लेकर कई तरीके की कंपनीज हैं वर्क कर रही हैं ताकि बैटरी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सके यहाँ पर जो पॉलीमर सेपरेटर्स होते हैं या फिर जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटर्स होते हैं उनकी जगह पर सॉलिड स्टेट सेपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है कई सारे इसके फायदे होते हैं जैसे कि इनकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है ये कम समय में चार्ज हो जाते हैं बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट बैटरीज की ये ज्यादा चार्जिंग साइकिल अवेल करते हैं मतलब आप इन्हें कई दफा चार्ज कर सकते हैं तो इन बैटरीज की लाइफ भी लंबी होती है और ये सेफ्टी भी इंश्योर करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया बात करने वाले हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में में साइंटिस्ट ने अभी हाल ही फॉर द फर्स्ट टाइम क्वांटम इंटेंगल्ड एनिमल पहला डिफाइन कर लिया है टार्डिग्रेट को टार्डिग्रेट के बारे में जानते हैं हमने पहले भी कई दफा इसके बारे में पढ़ा है इसे फ्रीज किया गया जमा दिया गया और फिर इसको पार्टिसिपेंट बनाया गया क्वांटम इंटेंगलमेंट एक्सपेरिमेंट में टाडी ग्रेट को वाटर बियर भी, भी कहा जाता है क्योंकि इनका शेप बिल्कुल भालू की तरह होता है अगर आप देखोगे तो इनके पैर भी होते हैं बिल्कुल भालू के जैसे पंजे होते हैं छोटे छोटे ये बहुत छोटे होते हैं दिखते नहीं है हर जगह मिलते हैं हमारे घर की नाली में भी होंगे एवरेस्ट की ऊंचाई पर भी हो सकते हैं समंदर की गहराई में भी हो सकते हैं माइक्रोस्कोपिक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है ये इसे सेवनटीन सेवेंटी थ्री में डिस्कवर किया गया था जर्मन जुलॉजिस्ट जोहन ऑगस्ट एफरेम गोयजेक जी के द्वारा इसे लिटिल वाटर बियर उन्होंने डप्ट किया था छोटा सा पानी में रहने वाला भालू फर्दर जो टाटीग्रेट्स होते हैं वो हर जगह मिलते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया आर्कटिक से लेके अंटार्कटिक तक गहराई से लेकर ऊंचाई तक हर जगह ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बियर कर सकते हैं हाई भी और लो भी प्रेशर भी बहुत ज्यादा सह सकते हैं ये एक जब इन्हें खाना वगैरह नहीं मिलता तो ये क्रिप्टोबायोसिस की सिचुएशन में चले जाते हैं जिसे आप एनाबायोसिस भी बोल सकते हैं जहाँ पर अपनी सारी लाइफ एक्टिविटीज को सस्पेंड कर देते हैं ये छत्तीस साल तक बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं और जब इन्हें लगेगा कि कुछ मिल रहा है तो ये अपनी बॉडी एक्टिविटीज को बढ़ा देंगे इन्हें आउटर स्पेस में भी ले जाया गया और वहां पर भी ये सर्वाइव कर गए तो कुल मिला आप इसे अमर जीव कह लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ये तो मामला ठीक है टार्गेट आपने बता दिया ये भला क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है देखिए क्वांटम इंटेंगलमेंट एक ऐसी स्थिति होती है यहां पे समझिए एक ऐसा फिजिकल फिनोमेना है जहां पर जब हम ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को या दो पार्टिकल्स को आपस में इतना नजदीक लेकर आए कि वो आपस में इंटरैक्ट कर सकें जब दो पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं यहां पे बात की जा रही है स्पेशल प्रॉक्सिमिटी की स्पेशल का मतलब होता है लोकेशन बेस्ड मतलब आप उन्हें इतना नजदीक लेकर आते हैं कि वो एक दूसरे के साथ क्वांटम स्टेट में जुड़ जाते हैं मतलब दो पार्टिकल्स नजदीक आए आप इन पार्टिकल्स में कोई सब अटोमिक पार्टिकल हो सकता है या फिर आप जो लाइट के फोटॉन्स होते हैं उन्हें भी ले सकते हैं तो वो आपस में एक क्वांटम रेडिएशन के माध्यम से जुड़ जाते हैं एक बार दो पार्टिकल्स क्वांटम रेडिएशन के माध्यम से जुड़ गए उसके बाद आप इन्हें कितनी ही दूरी पर रख दें जब एक क्वांटम पार्टिकल में या क्वांटम बिट में जैसे जिन पार्टिकल्स को हम ले रहे हैं इन्हें क्वांटम बिट भी कहा जा सकता है और शॉर्ट में इन्हें कहा जाता है क्यूबिट क्यूबिट का मतलब होता है क्वांटम बिट अगर इसमें कोई हरकत होगी तो बिल्कुल बिल्कुल इसकी अपोजिट हरकत इसके दूसरे क्वांटम पार्टिकल में होगी चाहे आप इसे यूनिवर्स के दूसरे छोर पर ही लेकर क्यों ना चले जाए और ये जो हरकत होती है इसमें कुछ ऐसा लगता है जैसे इस पार्टिकल ने सपोज करिए कि यहां से मिलियंस ऑफ लाइट लाइटर्स या बिलियंस ऑफ लाइट लाइटियर्स दूर आपने इस पार्टिकल को उठा के ले जाकर रख दिया यहां पे जो भी हरकत होगी उसकी बिल्कुल अपोजिट हरकत इस पार्टिकल में बिलियंस ऑफ लाइट दूर होगी अब ये हरकत इतनी तेज होगी कि बिल्कुल इंस्टेंट हो जाएगी आइंस्टीन इस बात से बड़े परेशान थे क्योंकि आइंस्टीन ने बोल रखा था कि किसी भी चीज की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती जबकि यहां पे जो क्वांटम पार्टिकल्स थे वो इंफॉर्मेशन का अगर एक्सचेंज कर रहे हैं लाइक यहां पर अगर कोई हरकत हो रही है और यही हरकत यूनिवर्स की दूसरे छोर पर बिलियंस ऑफ लाइट दूर हो तुरंत हो जा रही है मतलब जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ है ये लाइट्स की स्पीड से कई गुना तेज हुआ है तो यह आइंस्टीन को समझ में नहीं आया था आइंस्टीन के हिसाब से तो लाइट की स्पीड सबसे तेज है और यहां पे जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है वो उससे कई गुना ज्यादा तेजी से हो रहा है तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये फोर्स सही नहीं है उन्होंने इसको गलत साबित करने भी की भी कोशिश की कि ऐसा कुछ होता नहीं है बट ऐसा हो नहीं पाया मतलब ये एक ऐसा फील्ड है रिसर्च का जिसमें अभी भी बात चल रही है समझ में आ रहा है क्या कि मैंने जुड़वा टू की बात क्यों की थी बिकॉज यहां पर जब इनको कोई थप्पड़ मारता था तो इन्हें दर्द होने लगता था या सिमिलरली जुड़वा में भी ऐसा ही हुआ था तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जुड़वा टू में जो दो कैरेक्टर्स थे ये आपस में क्वांटम इंटेंगलमेंट से जुड़े हुए थे मतलब एक व्यक्ति के ऊपर कोई भी अगर मोशन हो रहा है तो इसका प्रभाव दूसरे पे भी देखने को मिलता था एंड दैट इज क्वांटम इंटेंगलमेंट जहां पर दो पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन समझने वाली बात यह है मैं इसीलिए कह रहा था कि जुड़वा टू जो है वो बॉलीवुड की बहुत ही हाई प्रोफाइल साइंस फिक्शन मूवी है बिकॉज क्वांटम इंटेंगलमेंट अभी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं देखा गया क्वांटम इंटेंगलमेंट अभी तक या तो केवल जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं उनमें देखा गया या फिर जो सिंगल सेलर बार मल्टी सेलोर ऑर्गेनिज्म में क्वांटम इंटेंगलमेंट जज करने की कोशिश की गई और इसके लिए चुना गया टार्डिगेट को इन्होंने किया क्या कि जैसे दो क्वांटम बिट्स लिए क्यूबिट आप इसे कह सकते हो इनको जोड़ दिया इन्होंने क्वांटम रेडिएशन से और इसके बीच में एक टार्डिगेट बिठा दिया ठीक है इस स्टार्टिंग ग्रेड को ये लोग लेकर आए थे डेनमार्क से उसे उन्होंने सब जीरो टेम्परेचर पे फ्रीज कर दिया था जमा दिया था क्योंकि ये सह लेता है और बहुत ज्यादा प्रेशर भी दिया था उसके बाद उन्होंने एक क्यूबिट में हरकत की तो ऑब्वियसली दूसरे क्यूबिट में हरकत होगी और उन्होंने इन दोनों क्यूबिट से जोड़ रखा था स्टार्टिंग ग्रेड को तो स्टार्टिंग ग्रेड में भी हरकत देखने को मिली मतलब ये देखा गया कि दो क्यूबिट्स जो क्वांटम इंटेंगलमेंट से जुड़े हुए थे उनमें क्यूबिट ने भी खुद को जोड़ लिया और एक क्वांटम बिट में यानी कि क्यूबिट में जब हरकत हुई तो दूसरे क्यूबिट में तो हरकत होगी ही जो कि रूल है

जैसे मोशन दो तरीके का हो सकता है एक हो सकता है क्लॉक वाइजी क्लॉक वाइज तो ये होता दूर, दूसरा कर जाए, वो करता है तो अभी तक जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इसी प्रकार से देखी गई है तो यहाँ पे बायोलॉजिकल मैटर को कंबाइन करके क्वांटम इंटेंगलमेंट है उसे साबित करने की कोशिश की गई ये हेडिंग्स से यहाँ पे गलत आ गई है हमारा जो टॉपिक है वो क्वांटम इंटेंगलमेंट का है चलिए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसे इनाग्रेट किया है अभी हाल ही में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इसके जरिए स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा किस लिए स्पेस साइंसेस में सेटेलाइट डेवलपमेंट में और फ्यूचर चैलेंजेस स्पेस रिसर्च के कैसे मीट किए जाएँ उसके लिए ये सेंटर डेडिकेटेड है इंडियन बॉर्न एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला जी को जिन्होंने दो के कोलंबिया शटल डिजास्टर में अपनी जान गवा दी थी सेंटर जो है ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेटेलाइट का ग्राउंड स्टेशन भी होगा जिसे लॉन्च किया जाना है उन सेवेंटी फाइव स्टूडेंट बिल सेटेलाइट में जो कि सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस डे दो हजार बाईस को लॉन्च किए जाने हैं तो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सैटेलाइट लॉन्च करेगी उसका ग्राउंड स्टेशन यही रिसर्च सेंटर होगा सी यू सैड एक नैनो सैटेलाइट है जो चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं ये पंद्रह अगस्त दो हज़ार बाईस को लॉन्च किया जाएगा ये डेटा कलेक्ट करेगा पंजाब के बॉर्डर एरियाज का एग्रीकल्चर वेदर फोरकास्टिंग और नेचुरल डिजास्टर फोरकास्टिंग को लेकर अच्छी बात है इसके बाद पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य बन जाएगा जिसके पास अपना खुद का मतलब एक स्टेट बन जाएगा जिसके पास अपना खुद का होगा स्पेस में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गिट हब के बारे में है गिट हब एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सर्विस है ये क्या है ये बताता हूँ फिर बताता हूँ न्यूज में क्यों आया गिट हब एक्चुअली में एक कम्युनिटी है हब है मतलब कई सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो कौन से लोग हैं जो यहां पे इकट्ठा होते हैं यहां पे इकट्ठा होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एथिकल हैकर्स या जो मलाफाइट हैकिंग करते हैं वो लोग भी इस डोमेन में आ जाते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो करते क्या हैं कि उन्होंने सपोज सर कोई एप्लीकेशन बनाया है वो नहीं चाहते कि वो उसे बेचें वो चाहते हैं कि वो पब्लिक डोमेन में फ्रीली एक्सेस किया जाए तो उस सॉफ्टवेयर या पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर का कोई कोड या सॉफ्टवेयर का कोई आइडिया वो गिठ्हब पे शेयर कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही लोग हैं जो इसकी समझ रखते हैं तो वो उनसे रिव्यू मांगते हैं उनसे कहते हैं कि आइए हमारे साथ कोलेबरेट कर लीजिए हम इसे और बढ़िया तरीके से इम्प्रूव करके बना देते हैं या आप हमारे कोड में कोई एरर बता दीजिए हमारी कोई प्रॉब्लम फिक्स कर दीजिए तो कुल मिला ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी की समझ रखते हैं उनका एक ग्रुप होता है और बहुत ही बड़ा एक कम्युनिटी है ये गिट्ठब जहाँ पे तरह तरह के एथिकल हैकर्स मालाफाइड हैकर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डेवलपर्स ये सभी आपको मिलेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के कोड होते हैं जो यूजर्स अपनी स्वेच्छा से अपलोड करते हैं लोगों को देखने के लिए एडिट करने के लिए या उस पर वो रिव्यूज मांगते हैं तो गिट इस संबंध में कार्य करता है लेकिन ये न्यूज में क्यों आया क्योंकि गिट पे अभी एक ऑफेंसिव नेम का एप्लीकेशन आया ऑफेंसिव नेम इसलिए बिकॉज इसका नाम लेना यहाँ पे उचित नहीं होगा वो एक मुस्लिम महिला को जो कि इंडिया की हैं उन्हें हैरस कर रहे थे ये जो एप्लीकेशन है उसने उन महिला की कुछ पिक्चर्स को सोशल मीडिया के उनके हैंडल से चुरा लिया था और वो यूजर्स को इनवाइट कर रहे थे कि आइए इस पिक्चर के लिए बिड करिए काइंड ऑफ वो उसे बेचने की कोशिश कर रहे थे वैसे तो गेट ने तुरंत ही उस यूजर को ब्लॉक कर दिया लेकिन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम यानी की सर्ट इनको गवर्नमेंट की ओर से कहा गया है कि वो एक हाई लेवल कमेटी का गठन करें और गेट हब पर होने वाली इस एक्टिविटी की सख्ती से जांच की जाए और कार्यवाही की जाए ताकि फर्दर इतनी बड़ी एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की एक्टिविटीज ना होने पाए आइए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मट क्रैप वायरस के बारे में है एक वायरस देखने को मिल रहा है ये जो वायरस है ये मड क्रैप को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है मड क्रैब वायरस रिवो वेरेडाई फैमिली से बिलोंग करता है और वाइल्ड क्रैब को बहुत बड़ी संख्या में ये मार रहा है वाइल्ड क्रैब में होने वाली बीमारी जो इस रिवो वायरस से होती है उसे स्लीपिंग डिसीज कहा जाता है जिसके बाद ये क्रैब बड़ी तेजी से मरने लग जाते हैं वायरस जो ये मड क्रैब या वाइल्ड क्रैब है इनके इंटेस्टाइन या गिल्स, गिल्स मतलब उनके टिश्यूज को प्रभावित करता है और अंततः उनकी जान चली जाती है वाइल्ड क्रैब या मड क्रैब की बात करें तो इन्हें साइंटिफिकली सेला सेराटा कहा जाता है इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं अफ्रीका एशिया ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं इनका जो ऊपर के हिस्से का जो कवर होता है जो सेल कवर होता है वो काफी मोटा होता है ग्रीन या डार्क ब्राउन कलर का होता है जो कि काफी कॉमन है हमारे आर्टिकल एक्वामेशन के बारे में है। तू -तू -जी, जो कि अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़े जाने को लेकर जाने जाते हैं काफी प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला इनके इन एफर्ट्स के लिए अभी हाल ही में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनको कुछ इस तरीके से क्रिमेट किया जाए जिससे कि इन्वायमेंट को नुकसान ना हो मतलब कोई भी इन्वायमेंट फ्रेंडली मेथड ऑप्ट किया जाए और उनकी इच्छा थी कि उनको एक्वामेशन के जरिए क्रिमेट किया जाए बिल्कुल वही किया गया और इसी वजह से एक्वामेशन न्यूज़ में आया क्या है एक्वामेशन एक्वामेशन को हम कई अन्य नामों से पुकारते हैं जैसे कि वाटर क्रीमेशन ग्रीन क्रीमेशन केमिकल क्रीमेशन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस या फिर फ्लेमलेस क्रीमेशन इतने सारे नाम दे दिए हमने इसे बट ये है क्या ये एक ऐसा क्रीमेशन है एक ऐसा दाह संस्कार है आप कह सकते हैं जिसमें आग की बजाय पानी का इस्तेमाल किया जाता है जो वर्ड है एक्वा इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि पानी का कोई रोल होगा एक्वा मिशन में करते क्या हैं कि बॉडी को एक मिक्सचर में डुबो दिया जाता है तीन से चार घंटों के लिए ये जो मिक्सचर होता है इसमें नाइन्टी तो पानी ही होता है लेकिन पाँच एल्कलाइन मटेरियल होता है जिसमें सोडियम या पोटेशियम को इस्तेमाल किया जाता है फर्दर इसे एक चैम्बर में रखा जाता है जहां पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने के साथ साथ वन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी अचीव किया जाता है इस टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से बॉडी के जो भी टिश्यूज़ हैं या फिर ऑर्गेनिक जो सेल के लिंक्स से हैं वो टूट जाते हैं जो केमिकल कंपाउंड्स वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं ये जो जेंटल वाटर फ्लो होता है टेम्परेचर होता है या फिर एल्कलिनिटी होती है वो पूरी तरीके से जो ऑर्गेनिक मटेरियल है बॉडी का उसको ब्रेक डाउन कर देती है जो डिकम्पोजिशन होता है ये अल्कलाइन हाइड्रोलिस की प्रक्रिया में ये बिल्कुल वैसा ही है जब किसी व्यक्ति को बरी किया जाता है तो होता है जब कोई भी इंसान बरी किया जाता है तो धीमे धीमे उसके जो केमिकल कंपाउंड्स है बॉडी के वो टूटते हैं ये नेचुरल प्रोसेस है लेकिन नेचर में ये बहुत धीमे धीमे होता है एक्वा मिशन के जरिए केमिकल्स का इस्तेमाल करके हम इस पूरी प्रक्रिया को तेजी दे देते हैं इसके बाद बॉडी का पूरा हिस्सा लिक्विफाई हो जाता है जिसमें कुछ बोन्स बच जाती हैं बाकी सब कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ये लिक्विड एक न्यूट्रल लिक्विड होता है न्यूट्रल लिक्विड कह लीजिए या स्टराइल लिक्विड कह लीजिए बिकॉज इसमें ना तो कोई टिश्यू बचता है और ना ही डीएनए मतलब जो लिक्विड बचता है उसमें ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं होता इसीलिए उसे नॉर्मली वाटर या वेस्ट वाटर के साथ बहाया जा सकता है उसमें कोई समस्या नहीं है कुछ ड्राइड बोन्स रह जाती हैं उन्हें ओवन में सुखा लिया जाता है जिसके बाद वो वाइट डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद अगर उसको जिस भी जिस भी तरीके से क्रिमेट करना हो कुछ लोग उन बोल्स बोन रिमींस को दफना सकते हैं या पानी में बहा सकते हैं जो भी प्रक्रिया अपनानी है अपनाई जा सकती है और बाकी का जो पानी है उसे वेस्ट वाटर के तरह डिस्चार्ज किया जा सकता है तो ये एक्वामेशन की प्रक्रिया में हम बात कर रहे थे एक्वामेशन की हिस्ट्री क्या है मतलब ये जो तरीका है क्रीमेशन का ये हमें कब मिला एक्वामेशन की प्रक्रिया को एटीन में ही एक फार्मर ने याद कर लिया था नाम था एमोस हर्बर्ट हैंसन वो एक्चुअली में कोई क्रीमेशन की प्रक्रिया नहीं तैयार कर रहे थे वो तो जो एनिमल्स मर जाते थे उन्हें जलाकर या फिर हीट के जरिए फर्टिलाइजर बनाने की प्रक्रिया तैयार कर रहे थे और बाई डिफॉल्ट उन्हें एक्वा मिशन की प्रक्रिया के बारे में पता चल गया और उन्होंने इसे पेटेंट भी करवा लिया एटीन में इसका फर्स्ट कमर्शियल सिस्टम स्टैब्लिश किया गया एल्बनी मेडिकल कॉलेज में 1993 में उसके बाद कई सारे हॉस्पिटल्स में यूनिवर्सिटीज में जो डोनेटेड बॉडी होती है उसमें इस प्रक्रिया को इस्तेमाल किया जाने लगा इसके कई सारे फायदे हैं जैसे कि इसमें जो हीट इस्तेमाल होती है वो नॉर्मल क्रिमेशन की प्रक्रिया के कंपैरिजन में पाँच गुना कम होती है जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं बॉडी को क्रिमेट करने के लिए या लकड़ियों के सहारे जलाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड है एक्वामिशन में फर्दर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी इसमें नॉर्मल क्रिमेशन की प्रक्रिया से थर्टी कम होता है तो कुल मिला जो ट्रेडिशनल क्रिमेशन मेथड है उसकी तुलना में ये ज़्यादा ग्रीनर अल्टरनेटिव है एक्वा मेशन कई सारे देशों में लीगल है साउथ अफ्रीका में ये पहले लीगल नहीं हुआ करता था 2019 में साउथ अफ्रीका अफ्रीका में भी एक्वा मेशन को लीगल कर दिया गया इस तरीके से जो डेस्मंत टूतू जी हैं उनकी बॉडी को क्रिएट किया गया तो एक्वा मेशन अगर न्यूज़ में आए तो ज़रूर से आप इसकी प्रक्रिया को भी समझते रहिए और इस संबंध में प्रश्नों को टैकल करने के लिए तैयार रहिएगा यू इस प्रकार की यूनिक टॉपिक्स पर बड़ा ध्यान देती है और इंटरेस्टेड भी रहती है तो आप भी अपना इंटरेस्ट ऐसे टॉपिक्स पर ज़रूर से बनाएँ आगे बढ़ते हैं देखते हैं देखते अगला आर्टिकल जो ने अभी हाली में वान किया है कि एंटी नई 5G की टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जा रही है याने वाले समय में एल्टी मीटर की जो टेक्नोलॉजी है उसे इंटरफेयर करेगी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स काम करने में दिक्कत महसूस करेंगे एल्टीमीटर क्या होता है एल्टीमीटर दो शब्दों से मिलकर बना है एल्टीट्यूड प्लस मीटर मतलब एक ऐसा मीटर जो एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई को मापता हो इसके माध्यम से हम एक फिक्स लेवल पे यूजुअली देखिए सी लेवल ऑप्ट किया जाता है उससे ऊंचाई को मेजर करते हैं अब इसका इतना सिग्निफिकेंट रोल कैसे है जैसे जो एयरप्लेन ट्रेवल करते हैं हवा में वो कितनी ऊंचाई पर है उसे मेजर करने के लिए एल्टी का ही इस्तेमाल किया जाता है और इसके माध्यम से ही ऑटोमेटेड लैंडिंग को भी फैसिलिटेट किया जाता है फर्दर विंड शेयर जो हवा की तेजी है कोई ऐसा रीजन है जहां पर डेंजरस एयर करेंट्स हैं विंड करेंट्स हैं उन्हें भी इसी के माध्यम से डिटेक्ट किया जाता है तो ये सभी चीजें अगर अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएंगी तो फिर जो एविएशन इंडस्ट्री है उसे काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और 5G टेक्नोलॉजी यहां पर इंटरफेरेंस करती हुई नजर आ रही है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूवीसी डिस इनफेक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में है हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ने यह कहा कि यूवीसी डिस इनफेक्शन टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया जा रहा है रेलवे कोचेस में ए सी बसेस में और क्लोज स्पेसेस पे पेंडेमिक को कॉम्बेट करने के लिए यानी कि रोकने के लिए सी एस आई आर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इसे डेवलप किया है पर्पज ये है कि कोविड नाइन्टीन के ट्रांसमिशन को हम रोकें इसके जरिए जहां पर भी हम यू वी सी का इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस का इस्तेमाल करते हैं ये वायरस बैक्टीरिया फंगस को डीएक्टिवेट कर देता है बायो एरोसोस में जो हवा में प्रेजेंट होते हैं इसके लिए टू फिफ्टी फोर नाइनोमीटर यूवी लाइट का इस्तेमाल किया जाता है या उसके डोजेस का इस्तेमाल किया जाता है एप्लीकेशन के फॉर्म में इसका इस्तेमाल ऑडिटोरियम बड़े कॉन्फ्रेंस रूम क्लास रूम मॉल्स में किया जा रहा है फर्दर बिल्डिंग या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनडोर मीटिंग के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया लिमिटेड कैपेसिटी में ताकि जो पांच राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं उन्हें अच्छी तरीके से कंडक्ट किया जा सके फर्दर उन्होंने अभी फिजिकल रैलीज भी बंद कर रखी है ना देखते हैं आगे क्या होता है कि फिजिकल रैलीस को बंद ही रखते हैं या फिर आने वाले समय में अलाउ करते हैं वर्तमान की स्थितियां तो ऐसा नहीं कहती कि अलाउ करना चाहिए चलिए बटा नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन स्पेस स्टेशन के बारे में है यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पेस जितेंद्र सिंह जी ने अनाउंस किया है पार्लियामेंट में कि इंडिया का पहला स्पेस स्टेशन 2030 तक कर दिया जाएगा ये काफी छोटा होगा बहुत बड़ा नहीं होगा इसका भार लगभग 20 टन ही होगा अब यहां पर देखिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तुलना में यह काफी छोटा होगा इसका इस्तेमाल हम माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट के लिए करेंगे मतलब इसका इस्तेमाल हम स्पेस टूरिज्म के लिए नहीं करेंगे कि लोग रॉकेट्स में बैठ के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो इंडिया का होगा इंडियन स्पेस स्टेशन उसमें घूमने जाएंगे ये सब उधर नहीं होगा उधर होगी रिसर्च जो प्रिलिमिनरी प्लान है उसमें यह है कि एस्ट्रोनॉट्स को कम से कम 20 दिन तक वहां पे रखा जा सके इसकी व्यवस्था की जाएगी और ये गगनयान मिशन जो हमारा है उसी का एक्सटेंशन होगा ये अर्थ के ऑर्बिट में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट करेगा घूमेगा इसरो कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है यानी कि स्पेडेक्स इस, इस पे काम किया जाए ये बहुत जरूरी होता है स्पेस स्टेशन के फंक्शनल होने के लिए बिकॉज उसके बाद ही जो यहाँ से रॉकेट्स एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाएंगे उन्हें डॉक किया जा सकेगा स्पेस स्टेशन के साथ दुनिया के कुछ अन्य स्पेस स्टेशन वर्तमान में दुनिया में सिर्फ एकमात्र स्पेस स्टेशन है जो फंक्शनल है दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये इनिशिएटिव है यूनाइटेड स्टेट्स रशिया यूरोप जापान और कैनेडा का चाइना ने इसमें हिस्सेदारी लगाने की कोशिश करी थी 2011 के आसपास बट इन लोगों ने मना कर दिया था तो चाइना ने अपने स्पेस स्टेशन के प्रयास कर दिए और उसने, उसने त्यांगोंग टू और बाकी जो अभी उनका एक फंक्शनल स्पेस स्टेशन है उसके लिए वो कॉम्पोनेंट धीमे धीमे करके भेज भी रहे हैं उम्मीद करते हैं इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन जल्दी ही तैयार कर लेगा हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल इम्बोसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में है जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स होते हैं पूरे देश में वो जल्दी ही ब्रेल मैप डिज़ाइंस एक्सेस कर पाएंगे जिन्हें डिजिटल इम्बोजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है इसमें डिजिटली जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाएंगे उनमें एक उभार देखने को मिलेगा इसके पहले तक प्रिंटिंग प्लेट्स इस्तेमाल की जाती हैं आप वहाँ पे रेलवे वगैरह पे भी जाइए तो वहाँ पे दूसरी जगहों पे भी रेलवे में या फिर एयरपोर्ट्स पे आपको ब्रेल में प्रिंटेड कुछ चीज़ें मिलती हैं जिन्हें छूकर जो लोग विजुअली चैलेंज्ड हैं या फिर दिव्यांग हैं वो पढ़ सकते हैं इसके जरिए अब हमें प्रिंटिंग प्लेट्स मॉल्स या केमिकल्स का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा और हम और तेजी से जो ब्रेल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर पाएंगे जो डी टेक्नोलॉजी है इसे इंट्रोड्यूस डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया और इसे कर रहा है नाटमो नाटमो का फुल फॉर्म है नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन सिग्निफिकेंस यही रहेगी कि मैपिंग का प्रोडक्शन थोड़ा तेज हो जाएगा और ब्रेल मैप लोगों के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल होंगे नाटमो की बात करते हैं नाटमो को 1997 नाइन्टी सेवन में सेटअप किया गया था यह सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के तहत काम करती है हेडक्वार्टर है कोलकाता में फंक्शन यही है कि ये नेशनल एटलस ऑफ इंडिया हिंदी इंग्लिश और ऑदोजन लैंग्वेज में कंपाइल करते हैं थीमेटिक मैप्स प्रिपेयर करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निसार के बारे में है निसार मिशन दो में लॉन्च होने की संभावना है इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मतलब इसमें नासा और इसरो दोनों ही इन्वॉल्व हैं ये अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है मतलब धरती को हम ऑब्जर्व करेंगे क्या चल रहा है इधर तो ऑब्जर्व हमें करना क्या है देखिए धरती को जब मन में आता है जिधर मन में आता है थोड़ा बहुत खिसक खिसक जाती है मतलब इसके ऊपर की जो चट्टाने हैं ऑब्जेक्ट्स हैं ग्लेशियर्स हैं आइसबर्गस हैं उनको जब जिधर मर्जी आती है वो खिसक जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है लेकिन अब हम उनके ऊपर निगाह रखेंगे और उसके में जो निसार है वो हमारी मदद करेगा निसार अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है जिसके जरिए अर्थ के किसी एरिया पर जो सर्फेस मूवमेंट हो रहा है हम उसे डिटेक्ट कर पाएंगे अगर जीरो पॉइंट फोर इंच भी खिसके तो हमें आइडिया लग जाएगा कि बेटा आप खिसके हो पहले आप इधर थे और अभी आप इधर आ गए हो निार नाम इसीलिए दिया गया है नासा इसरो सार सार का मतलब सिंथेटिक अपर्चर रडार जिसका इस्तेमाल हम अर्थ के सर्फेस पे होने वाले चेंजेस को मेजर करने के लिए करेंगे ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस निकालेगा ध्यान दीजिएगा ये रडार क्लाउड और डार्कनेस दोनों में पेनिट्रेट करके इमेजेस को कैप्चर कर सकता है यानी कि नाइट हो या फिर खराब वेदर हो दिक्कत नहीं होगी और हां रडार्स क्लाउड को क्रॉस करके देख सकते हैं फंक्शंस की बात करें तो ये 12 दिनों में पूरे ग्लोब को स्कैन कर लेगा ये अर्थ के लैंड आइस शीट्स सी आइस सबका एक बढ़िया सा व्यू तैयार करेगा नासा क्या करेगा भाई इसमें नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है ये सेटेलाइट के लिए रडार तैयार करेंगे हाई रेट कम्युनिकेशन सब सिस्टम

यहाँ पर देखिए 2021 में चार नए सुपर कंप्यूटर्स को अभी हाल ही में इंस्टॉल किया गया आईआईटी हैदराबाद में नाबी मोहाली में सीडीएसी बेंगलुरु में और आईआईटी कानपुर में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था ऑब्जेक्टिव ये था कि एकेडमिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट किया जाए एक ऐसी ग्रिड के साथ जिसमें सत्तर हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स हों और इसकी कॉस्ट चार हजार 500 करोड़ रुपए आनी है सात सालों के भीतर इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना था मतलब टिल 2022 इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है ज्वाइंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यानी कि मैती के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा और इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा फीचर्स में यह है कि इसके माध्यम से भारत में सुपर कंप्यूटर्स के नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत हम एक लॉन्ग टर्म प्लान भी तैयार कर रहे हैं इसके माध्यम से हम बीस हजार को तैयार करेंगे अगले पांच सालों में जिनके पास क्षमता होगी कि वो सुपर कंप्यूटर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल कर सकते हैं ठीक है प्रोग्रेस अभी तक क्या हुई फर्स्ट फेज में कई तरीके के सुपर कंप्यूटर्स तैयार किए गए जैसे कि परम शिवाय परम शक्ति परम ब्रह्म परम युक्ति और परम संगणक जिन्हें आई आई टी बी एच यू आई आई टी खड़गपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे जवाहरलाल नेहरू फॉर एडवांस रिसर्च इन सभी जगहों पर डिप्लॉय किया गया हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पहले पिग हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में है जो कि ह्यूमंस में हुआ डॉक्टर्स ने अभी हाल ही में एक पिग के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया एक पेशेंट की बॉडी में यह लास्ट एफर्ट था उन इंडिविजुअल को बचाने का यह कारनामा यूएसए के मैरीलैंड हॉस्पिटल में हुआ है देखिए ऐसा नहीं कि इसके पहले ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं कि किसी दूसरे जानवर के ऑर्गन को ह्यूमंस में लगा दिया जाए लेकिन ह्यूमन बॉडी किसी भी अन्य जानवर के ऑर्गन को बहुत ही तेजी से रिजेक्ट कर देती है जिससे उस व्यक्ति की जान चली जाती है और इस प्रकार के ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं रहे हैं इस लिहाज से कहा जाए तो ये पहला सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट है जहाँ पे एक पिग यानी कि एक सुअर के हार्ट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया हालांकि अभी भी ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि ये ट्रांसप्लांट पूरी तरीके से सक्सेसफुल है क्योंकि कई बार ह्यूमन बॉडी कई दिनों तक इस चीज़ को मैनेज करती है और उसके बाद रिजेक्ट कर देती है इसके पहले भी एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट हुए हैं एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट को जीरो ट्रांसप्लांट कहा जाता है जो कि बहुत बड़ी संख्या में फेल हुए हैं इसके पहले देखिए नाइनटीन में बेबी फाइ एक जो डाइंग इन्फेंट था बहुत छोटा सा बच्चा था उसे बबून यानी कि लंगूर का हार्ट लगाया गया था और उसकी मदद से वो बच्चा 21 दिनों तक जिंदा था हालांकि 21 दिनों के बाद उस बच्चे की जान चली गई जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट होता है यह कैसे डिफरेंट हो जाता है और इस बार यह कैसे डिफरेंट रहा इस बार जो सर्जन थे, उन्होंने एक पिग के हार्ट का इस्तेमाल किया पिग एक बहुत ही आइडियल जीव हो जाता है बॉडी ट्रांसप्लांट को लेकर इसका कारण यह है क्योंकि एक मेच्योर पिग के बॉडी ऑर्गन्स का साइज लगभग इंसानों जैसा ही होता है फर्दर इस बार जिस पिग के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया उसमें जीन एडिटिंग का सहारा लिया गया जो उनके हार्ट में एक सेल होती है उसमें शुगर कंटेंट को रिमूव करने के लिए एंड दैट इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से अभी तक ऑर्गन रिजेक्शन ह्यूमन बॉडी में होते रहे हैं तो इस सेल को हमने पहले ही निकाल दिया जिसकी वजह से ये रिजेक्शन होते थे ताकि इस बार पेशेंट की जान को बचाया जा सके पिग को ही ट्रांसप्लांट के लिए क्यों चूज किया जाता है कई तरीके के एडवांटेजेस होते हैं जैसे कि ऑर्गन आसानी से मिल जाता है पिक को रेज करना आसान होता है वो आसानी से जल्दी मिच्योर हो जाते हैं और एडल्ट ह्यूमन साइज उनके बॉर्गन उनके ऑर्गन्स का विद इन सिक्स मंथ में मिल जाता है ऐसा नहीं कि पिक्स के बॉडी ऑर्गन्स का इसके पहले ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया गया है पिग हार्ट वॉल्व को अक्सर ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट किया जाता रहा है कुछ पेशेंट में जो डायबिटीज से प्रभावित रहे उनमें पिक पैंक्रियास सेल को भी

और एक नई उम्मीद जो मेडिकल साइंस है उसमें निकल के आएगी हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वाटर प्योरीफिकेशन के बारे में है यूनियन मिनिस्टर डॉ जितेंद्र सिंह जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन एक स्टार्टअप को अभी लॉन्च किया वो आईआईटी आई एल्यूमिनी है जिन्होंने वाटर प्योरीफिकेशन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तैयार किया है सजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड एक टेक्स स्टार्टअप है उन्होंने ही इसे लॉन्च किया वाटर ए टी एम एस यहाँ पर आई ओ टी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे सोलर एनर्जी के माध्यम से ड्रिंकिंग वाटर तैयार किया जाता है पानी कहीं से भी ले सकते हैं रिवर से वेल well से पॉन्ड से या ग्राउंड वाटर से जहाँ भी पानी मिल जाए उसके बाद उसे इस टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीट किया जाता है ताकि उसे हेल्दी और प्योर बनाया जा सके इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पानी को प्योर करने की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी जो कि ट्वेंटी पैसा पर लीटर होगी यहाँ पर देखिए क्लैरवेंट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको वाटर प्यिफिकेशन सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए तैयार किया गया है यह फ्यूचर ब्रेकडाउन को है है। प्रोडिक्ट है, से से हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विकास रॉकेट इंजन के बारे में है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में सक्सेसफुली कंडक्ट किया है 25 सेकंड का क्वालिफिकेशन टेस्ट लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड विकास इंजन के लिए जिसका इस्तेमाल हम गगनयान मिशन में भी करने वाले हैं जिसके जरिए हम स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की तैयारी कर रहे हैं देखिए चाहे हमारा जीएसएल है पीएसएल है या फिर जीएसएल है उनको रन करने के लिए कुछ इंजन यूज किए जाते हैं उन्हीं इंजन में से एक इंजन है विकास रॉकेट इंजन समझ में आ रहा है ये जो मिसाइल्स हैं जो रॉकेट्स हैं बेसिकली चाहे वो जीएसएलवी है या फिर पीएसएलवी है तो इसमें जो इंजन यूज किए जा रहे हैं उनमें से एक है विकास विकास का यहां पे फुल फॉर्म है इसमें वी आई के का मतलब हो जाता है विक्रम ए का मतलब होता है अंबालाल और एस का मतलब होता है सारा भाई जो कि एक बहुत ही एक प्रॉमिनेंट साइंटिस्ट रहे हैं इंडिया के ये फैमिली ऑफ लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन का पार्ट है जिसकी बनने की शुरुआत उन्नीस के दशक में की गई थी ये लाइसेंस्ड वर्जन है वाइकिंग इंजन का जिसका काफी लंबे समय से इस्तेमाल करने का पूरा जो प्रोसेस है वो चल रहा है यहां पर देखिए इसका एक अच्छा फायदा यह है विकास इंजन का कि यह लंबे समय तक फ्यूल को बर्न कर सकता है जिससे कि इंजन की इफिशियंसी बढ़ती है मैं आपको बता दूं कि विकास इंजन का इस्तेमाल पीएसएलवी के सेकंड स्टेज में जीएसएलवी के सेकंड स्टेज में और जीएसएलवी मैक थ्री के फर्स्ट स्टेज में किया जा रहा है यह फोर्टी मेट्रिक टन अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजाइन यानी कि यूडीएमएच को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेगा और नाइट्रोजन टेक्ट्रो को ऑक्सीडाइजर की तरह इस्तेमाल करेगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में इसरो ने बोला है कि वो अप्रैल में एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्रियान्वित कर देगा कि वो लॉन्च होने वाला है 2022 में अप्रैल में अब हमें पता है कि उपग्रह यानी सेटेलाइट्स जिनके बारे में हम जानते हैं हम इमेजिन करते हैं कि इनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है और पहले देशों को जरूरत हुआ करती थी समय के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और जैसे कंप्यूटर्स के साइज़ घटते घटते चले गए उसी तरह सैटेलाइट्स भी अब छोटी होती चली गई हैं तो अब बड़ी सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट तो अभी भी होती है अब जैसे टेली या मैपिंग के लिए हो सकता है आपको बड़ी सैटलाइट चाहिए नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर लेकिन अब रेस्टोरेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ को छोटी छोटी कंपनीस को अपने काम के लिए वो सैटलाइट चाहिए होती है ताकि वो ट्रैक कर सके चीज़ों को मैप कर सके चीज़ों को उनके लिए छोटी सैटेलाइट्स बहुत छोटी हो जाती हैं वो क्यूबसैट्स जैसी छोटी छोटी सैटेलाइट्स होती है तो उसके लिए इसरो ने अभी तक कोई एक डेडिकेटेड लॉन्च व्हीकल नहीं बनाया था इसरो के जो लॉन्च व्हीकल्स हैं जो उपग्रहों को अंतरिक्ष तक लेके जाते हैं प्रमुख दो तरह के थे एक पी और एक जीएसएलवी तो पीएसएलवी आपके लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाता था जीएसएलवी आपके हायर अर्थ ऑर्बिट में जाता था तो अब इन्होंने कहा है कि नहीं हम एक एस एस एल वी भी लेके आ रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली मार्केट में जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की डिमांड है उसको पूरा करेगा जो आपका 500 सौ तक का सैटेलाइट लेके जाएगा 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट तक तो ये स्मॉल सेटेलाइट का जो मार्केट है उसको केटर करेगा अभी आपको अगर और जानकारी चाहिए तो जैसे अमेरिकन कंपनीज़ काफ़ी फेमस हो रही हैं स्पेस या फिर ब्लू ऑरिजिन जो बड़ी कंपनियां बन के आई हैं प्राइवेट सेक्टर में जो ऐसे इस मार्केट को केटर कर रही हैं और काफ़ी प्रॉफिटेबल हुई हैं तो इसरो भी उसके लिए अब मार्केट में कूद रहा है और ये अपनी स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करने वाला है अप्रैल में अब ये क्या करेगा ये इंडिया के पंद्रह बीस जो एस होंगे हर साल इंडिया इसरो इसको लॉन्च करेगा इससे उनको एडिशनल इनकम भी होगी और ये ऑन डिमांड सर्विस सेक्टर से प्रोवाइड करेगा कि आपकी छोटी सेटलाइट्स हैं तो वो भी भेजी जाएंगी अभी क्या होता है वर्तमान में क्या इसरो सेटेलाइट्स नहीं भेजती क्या छोटी वाले अभी जो छोटे सेटेलाइट्स होते हैं वो इंडिया के जो बड़े लॉन्च व्हीकल्स हैं उन्हीं के साथ बैच करके चढ़ाए जाते हैं कि आप इन्हीं के साथ इनको भी भेज दो लेकिन अगर आपकी स्मॉल सेटेलाइट के लिए एक अलग से व्हीकल होगा तो वो बहुत ही एफिशियंटली काम कर पाएगा तो इसकी बात है ये लगभग तीस करोड़ की लागत से बनने वाले स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होंगे अभी जो इंडिया के दो प्रमुख वॉर वर्क हाउसेज हैं वो है पीएसएल और जीएसएल जिनसे प्रमुख काम इंडिया का होता है पहली पी और दूसरी जीएसएल डिफरेंस क्या है नाम से क्लियर है मान लीजिए अर्थ है ठीक है ये अर्थ है हमें पता है यहां पर पोल है ऊपर साउथ पोल नॉर्थ पोल ठीक है ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है जो सेटेलाइट ऐसे चक्कर काटेगी ठीक है इस तरह से पोल्स के आसपास उसे हम कहेंगे पोलर ऑर्बिट उसका ऑर्बिट क्या है पोलर ऑर्बिट है और मान लीजिए कोई सेटेलाइट है जो ऐसे चक्कर काट रही है साइडवेज तो यहाँ अर्थ की तरफ से इक्वेटर कटता है ना तो एक ही होता है जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट होता है जिसे हम कहते हैं जियो ऑर्बिट तो दो तरह के ऑर्बिट होते हैं पोलर और एक इक्वेटोरियल जिसे हम जियो भी कहते हैं तो जी इस तरह का ऑर्बिट करती है पी इस तरह का ऑर्बिट करती है डिफरेंस ये है पी में जी में कि पी आपका नॉर्मली शॉर्ट रेंज के लिए थी और जीएसएलवी आपके बड़े रेंज के लिए थी जिसमें आपके कम्युनिकेशन का काम हो गया या फिर इसके अलावा आपको अगर अर्थ रिसोर्स की मॉनिटरिंग करनी है बड़े लेवल पर तो उसके लिए आप जी का इस्तेमाल करते थे अगर आपको सेटेलाइट लेके जाना है बड़े ऑर्बिट में इनसेट सेटेलाइट होती, होती है इंडिया की ज़्यादा टेक्निकल वो सब जी से जाती थी और बाकी मिशन आपके पी से पूरे होते थे और इसरो की पी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मानी जाती है इसलिए पी एस एल वी से ही इंडिया ने अपना चंद्रयान भी लॉन्च किया था लेकिन प्रमुख रूप से बड़े मिशन के लिए जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसके लिए जी है जो जियो सिंक्रेंस है जियो सिंक्रेंस की खास बात यह है कि वो जियो स्टेशनरी भी हो सकता है जियो स्टेशनरी मतलब अगर ये धरती है आपको पता अर्थ है अर्थ भी चक्कर काटती है अर्थ घूमती रहती है जो जियो सिंहस ऑर्बिट है वो अर्थ के जगह जाके स्थित हो जाता है और वहीं पे खड़े खड़े वो भी चक्कर काटता रहता है तो वो अर्थ के चक्कर के साथ बिल्कुल सिंक होता है कि जब धरती चक्कर काटेगी तभी वो भी चक्कर काटेगा तो एक जगह स्थिर रहता है वो वहां से बिल्कुल हर समय 24 घंटे चक्कर काट रही है अर्थ अर्थ के साथ वो सैटेलाइट भी चक्कर काट रहा है तो बिल्कुल उसी जगह स्थिर दिखता है आपको तो वहां से बेहतर तरीके से मैप कर सकता है वो ये बात हो गई इस सेटेलाइट की जो कि जियो स्टेशनरी भी होता है पीएसएलवी सनस है जियो स्टेशनरी जियो संक्रस है ठीक है और पी की का इस्तेमाल किया जाता है अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए जी का इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स के लिए और बड़े लेवल पे कामों के लिए और जैसे बताया जी और आगे जाके जो एडिशनल इंडिया की हायर एंड में जो लॉन्चेज होंगी उनमें इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि वो क्रायोजेनिक जो इंजन है वो भी वहीं डेवलप हुआ है और बड़े स्टेज पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा जैसे जी एस जो तीन स्टेज का इंडिया का प्रोग्राम है वो भी GSLV है जियो सेंकनस है तो डिफरेंस जियोनस पोलर सेंकनस और अपना अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तीन चीजें लॉन्च हो रही हैं पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था इंडियन सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में कंसिडर द फोर स्टेटमेंट्स पीएसएलवी लॉन्च सैटेलाइट्स यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग वेर एस जीएसएलवीज आर लॉन्च्ड मेनली फॉर टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेटेलाइट्स लॉन्च बाई पी एस एल वी अपेयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्सड इन द सेम पोजिशन इन स्काई एज व्यूड फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अर्थ जीएसएल वी एम की थ्री इज फोर स्टेज लॉन्च वहीकल विच इज फर्स्ट एंड स्टेज आर यूजिंग सॉलिड रॉकेट मोटर्स एंड सेकंड एंड फोर्थ यूजिंग लिक्विड रॉकेट इंजिन अब इनमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं बताइए अभी हमने लगभग सब कुछ डिस्कस किया है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जीएसएल वी है वो जियो सिंक्रनिस है मतलब धरती का चक्कर काटने का जो सिस्टम है उससे सिंक्ड है और उसी में जो एक सेटेलाइट बिल्कुल फिक्स एक ही जगह पर धरती के टाइम के हिसाब से चक्कर काटती है वो होती है जियो स्टेशनरी पोलर वाले की तो बात ही अलग है ना पोलर वाला सन के हिसाब से तो सिंगनाइज होता है तो ये स्टेटमेंट तो पहली गलत हो गई टू स्टेटमेंट करते ही आपके पास वन ओनली और थ्री ओनली बचता है ये दोनों तो, तो एलिमिनेट हो गए अब थ्री ओनली अगर हम देखें तो जी एस एल वी मैक थ्री लिखा है फोर स्टेज लेकिन जीएसएल वी मैक थ्री नाम से ही क्लियर है जीएसएल वी एम की थ्री तीन स्टेज का एक लॉन्च व्हीकल है तो ये भी गलत हो गया तो बचा वन ओनली विच इज द करेक्ट आंसर यानी पी एस एल वी का इस्तेमाल अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए होता है जो लो अर्थ में होती है जीएसएल वी का कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स का होता है जो बड़े लेवल पर जिनकी जरूरत होती है तो हमारा आंसर होगा ए यानी ओनली इसी में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगी इसकी सर्विसेज एन करेगी यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो असल में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ही सरकारी संस्था ही होगी जो स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर को टारगेट करेगी कोशिश करेगी कैसे कैंपेन किया जाए कैसे और कॉमर्शलाइज किया जाए इंडिया की सर्विसेज को क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया स्पेस और ब्लू ऑरिजिन जैसी कंपनियां मार्केट शेयर कब्जा किए जा रही है तो उनसे कंपीट करने के लिए गवर्नमेंट ने यह स्थापित किया था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कमर्शियलाइज करेगी मल्टीपल सैटेलाइट ऑन डिमांड सैटेलाइट लॉन्च अगर आप पैसे दे पाए तो उन सभी सुविधाओं की तरह काम करेगी अभी इसरो तो एक सरकारी संस्था है और ये जो है इसको एक इसको मार्केट की तरह इस्तेमाल करेगी जैसे मार्केट में आपको सेवाएं लेनी है तो सीधा आप जाकर सेवाएं ले सकें उस तरह का काम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करेगी हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड के बारे में है साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में कुछ डिटेक्ट किया है है जो किसी बहुत बहुत ही डेंस डेंस स्टार स्टार जैसा ज्यादा कुछ और तो नहीं लगता ऐसा लगता है कि यह कोई एक्सोटिक एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट है कुछ ऐसा जिसके एग्जिस्टेंस को लेकर अभी तक केवल हाइपोथेसिस ही क्रिएट किए गए हैं इनके ऑब्जेक्ट को लेकर हम बहुत श्योर्ड अभी तक भी नहीं रहे हैं मतलब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसे हमने मर्किशन वाइल्ड फील्ड एरे टेलीस्कोप के माध्यम से डिटेक्ट किया है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड एक टेलीस्कोप है ये जो ऑब्जेक्ट है ये हर घंटे में तीन बार एनर्जी का बर्स्ट रिलीज कर रहा है 2018 में दो महीनों तक लगातार इसे ओवरव्यू किया गया देखा गया मैं आपको बता दूं ये है एक मैग्नेटार मैग्नेटार तो वैसे कई सारे डिटेक्ट इसके पहले भी किए जा चुके हैं लेकिन इसे कहा जा रहा है अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार यानी कि काफी लंबे समय तक इसके वर्ष को डिटेक्ट किया गया है यह न्यूट्रॉन स्टार की एक वैरायटी है न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं जब एक स्टार अपने खुद की अपनी लाइफ साइकिल को जब वो कंप्लीट कर लेता है तो वो अपनी खुद की ग्रेविटी की वजह से अपने ऊपर ही गिर के ब्लास्ट हो जाता है तो उसके बाद जो स्टार क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार ये ओरिजिनल स्टार की तुलना में बहुत ज्यादा डेंस होते हैं इनका ग्रेविटेशनल फील्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो ये एक कोलैप्स्ड कोर से बना हुआ मैसिव स्टार होता है जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद तैयार होता है मैंने आपको बताया जब वो एक्सप्लोड होते हैं तो उस एक्सप्लोजन को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है ये हाईली मैग्नेटाइज होते हैं और रिलेटिवली धीमी रोटेट करते हैं नॉर्मली ऐसा होता है जो फास्ट स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं उन्हें पल्सर कहा जाता है नॉर्मली जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं वो धीमे ही रोटेट करते हैं और जो पल्सर्स होते हैं वो बहुत ब्लिंक करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ की तरह मिली सेकेंड्स के बेसिस पर अगर हम अर्थ से उन्हें देखते हैं तो ये जो मैग्नेट आर्स होते हैं ये कॉस्मिक टर्म्स में अर्थ के नजदीक पाए जाते हैं दूर नहीं होते मतलब 4200 लाइट ईयर में आपको मिल जाएंगे आप लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करोगे तो बयालीस साल में पहुंच जाओगे आराम से पहुंच जाओगे 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस को एक लाइट ईयर कहा जाता है मतलब लाइट एक साल में इतना ट्रेवल कर लेती है तो जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जिनमें पल्सर्स भी आ जाते हैं वो यूनिवर्स के डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट माने जाते हैं बहुत बड़े नहीं होते 12 किलोमीटर इनका डायमीटर अप्रॉक्स होता है एक शहर जितना इनका साइज़ होता है लेकिन इनका मास सूर्य से भी ज़्यादा भारी होता है न्यूट्रॉन स्टार के बाद होते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो कि बहुत ही एक्सट्रीम होते हैं और जो मैग्नेटार होता है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारे सन की तुलना में तो बिलियंस ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटार्स के पास होता है

यहां पे जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो लार्जली डिसऑर्गेनाइज रहती थी और इसमें नेविगेट करने में आपको बहुत सी प्रॉब्लम आती थी इसके बाद आया आपका सोशल वेब जहां पे हम इसे कह देते हैं वेब 2.0 इसमें जावा स्क्रिप्ट एच को हम यूज़ करके बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म लेके आए जो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव थे यहाँ पे बहुत से आपके स्टार्टअप बने जैसे यूट्यूब हो गया आपका फेसबुक हो गया विकीपीडिया हो गया और, और भी बहुत से

तो यहाँ पे आपका जो पेलोड है ये सेकेंडरी पेलोड था अब इसे लॉन्च किया गया था 1961 में अभी हाल फिलहाल में 111 ऐसी सैटेलाइट ऑस्कर सैटेलाइट्स मतलब जो भी आपके इमेच्योर रेडियोस ये यूएसए में बहुत फेमस है जो भी आपके इमेच्योर रेडियोस की सैटेलाइट्स होती हैं उन्हें ऑस्कर कहा जाता है अभी हाल फिलहाल में एक ऐसी सेटेलाइट्स से आपकी वर्क कर रही हैं तो इस आर्टिकल में इतना ही